लड़ेगा बाबू, तू बाहर चलो। नहीं तो इसी तरह लड़ेगा बाबू, तू बाहर चलो। अच्छा ठीक है, का हो बोल, क्या कहना चाहता है? ये तुम्हार बेईमानी आए, तुम्हार बेईमानी आया, तुम कसके काहे मारो? मैदान में क्या आराम से मारा जाता है? तो हमसे बताते हो कि हम कसके मारो तो हम कसके मारे, हम तो ढीले हाथे पर तुझे क्या होंक दी हो? अबे अबे ओ तुमका समय है बेटा, कहा तही जौनी की आए हो वही के पियल जाओ, नहीं तो हमारा नाम जहरीला है, हम जहका डस ले ना गंगा कसम, ससुर कह के फेचकुर ना बहाए। आ जहरीला बेटा, यही बरे कही दे हमसे न लड़ो, अब अही तो जैसे बैठी है ना और तरें से धैके डाई दो पर हमार डाई थम, यही के बरे कही थे लड़ो नाम और सीधा चले जाओ और नहीं फिर तैयार हो जाओ मरने के लिए। कमीने तुमस सिंह कभी कच्ची गोली नहीं खाता है, जहरीला कैट कर सारे लौंडे को। ये तो धोखा है, मर्दानगी नहीं है। हराम खोर बकवास बंद करो ना, इतनी गोली उड़ा दूंगा साले ना तेरे मुंह में कि जो बेल जैसा सर है ना ये आसमान में उड़ता ना चलाएगा। लेकिन देर ही रहेगा, चाहे वो जंगल में हो बियाबान में हो, लेकिन अगर जब शेर को अगर पिंजरे में डाल दिया जाता है ना बेटा तो 10 दिन खाना बंद कर दिया जाए साला बिल्ली की जिंदगी जीने लगता है। ले चलो सालों को राज दरबार, चलो एक से भले दो, दो से भले तीन साले हो गए, चलो अब तीनों को फांसी दिला। बाबू पक्का हाथ तुम्हारे टीवी हो जाए। क्यों रे? क्यों यह भरे के पूरा मैदान साफ हो से बाबू, और जोन तुम्हार यह जोन रुपया रही है अकाल वाली इकट्ठा है, अबे तुम्हारे घर में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है, अब की तुम्हारे पक्का टीवी हो जाए। अभी मेरी मौत नहीं है रे, अभी मैं बहुत जीऊंगा, बहुत घरों का मुझे भला कर रहा है। वही तो, बहुत गजब हो गया सरकार। काहू मंत्री कुमार से तो गजब हो गया आज महाराज, गजब हो गया आज महाराज भारी, और बियावान में खुशबू गई आज महाराज। अमन सिंह हमारी बेटी खुशबू का कातिल है महाराज, मेरी बेटी को गोली मार करके दुनिया से उठा दिया महाराज, हमें न्याय चाहिए। आवाज से न्याय मिलेगा मंत्री कुमार सिंह, ये बताओ कि अमन सिंह है कहाँ? महाराज हम उसे और तो प्रेमी और प्रेम का इस विराट नगर के बियावान में खुलेआम प्यार कर रहे थे, और यहाँ के प्रजा जो है आपके नाम की खौफ न खाती राजन, इसलिए मैं उन दोनों को भी गिरफ्तार कर लाओ, आज उन दोनों को सरे दरबार फांसी होगी। जहरी लोहार विशैला ले ताले लोगों को खींचकर। साले बगावत पर उतर आए हैं,
हमारे आपके नाम की खौफ को मिट्टी में मिलाना चाहते हैं। कुछ भट्ठा में पीला नहीं करत है, कुछ अवगल नहीं करत है, कुछ खंजर, लेकिन पूरा का पूरा महाराज खंजर निकले हैं। राजन, इन कमीनों के लिए क्या हुक्म है? मंत्री कुमार सिंह, राजन, इन तीनों को फांसी दे दिया जाए। ठीक है राजन, फांसी दिया जाए या कि गोली मार दिया जाए, जो तुम्हारी इच्छा हो। राजन, मेरी राय है कि तीनों को एक लाइन में खड़ी करके गोली मार दे। मार दिया जाए। ऐसा करो, आप बोले निकासन, मैं नंबर बोलूंगा। नंबर बोलो, लगा सालों पे निशाना। अरे नंबर बोलूंगा, पीछे आ जाएगा। मरने के लिए तुम तीनों कमीने तैयार हो जाओ। कोई आखिरी चाहो तो हमसे बता देना। लगा सालों पर निशाना। नंबर एक, और साले नंबर एक बोला, उठा बंदूक, उठा ले ले ले, लगा निशाना। नंबर एक और नंबर दो, खबरदार मक्कार, और खबरदार कहना नहीं जुबा से अपने तीन। खबरदार कहना नहीं जुबा से अपने तीन, और मेरे हाथ से तुम दोनों का होगा यहाँ पे खून। हराम जादे गद्दार, काश तेरी मौत यहाँ हम सबको खींच कर आई है। तुम कौन हो भाई साहब, कौन हो, यहाँ आ गए हो? अरे मंत्री कुमार सिंह, जिस वक्त मेरा नाम सुनोगे तुम्हारे पांव के नीचे की जमीन जो है वो खसक जाएगी। हरामखोर, आपका क्या नाम है भाई टाकू जी? क्या जानकर क्या करोगे? अरे मैं भी तो जानू, इस हवेली पे आने का आपका मतलब क्या है? इस हवेली में, अरे इस हवेली में इन बेचारों की फांसी क्यों दे रहे हो? फांसी अगर सुनना चाहता है तो इस कमीने ने मेरी बेटी खुशबू का खून किया है, और ये जो कमीना और कमीनी दिख रहे हैं, ये साले रंगे हाथ बियावान में खुलेआम प्यार करते पकड़े गए हैं। मंत्री कुमार सिंह, बोलिए डाकू जी भैया, तुम जैसे बदतमीज नालायक हम इस विराट नगर में इंसान देखा नहीं है। अबे बेहुदा, ये खूनी है? हम मेरी बेटी खुशबू का खूनी है? नहीं, खूनी कातिल तू है। अपनी बेटी खुशबू को जान से मार कर और उसका इल्जाम इस लड़के अमन सिंह पे लगाया है। बेहुदा झूठ बोलता है। डाकू जी, आप कौन है? मैं, जिस वक्त मुझे पहचानोगे तो हो सकता है तुम्हारा यहाँ ठिकाना नहीं लगेगा। अरे तू है कौन? अरे तुम्हारा जाने दुश्मन डाकू, मैं दिलावर सिंह हूँ। देख कमीने, चारों तरफ से हमारा डाकू दल तेरा घेरा कर रखा है। डाकू दिलावर सिंह कहो,
पीछे देखो कौन आ रहा है, कहा मंत्री कुमार चंद, अगर तुम मुझसे होशियारी करोगे तो सोच लो एक ही गोली में सारा किस्सा खत्म हो जाएगा। चलो ठीक है, भागो, हम तुम्हें आदेश दे रहे हैं, भागो। अरे हम तुझे रफ्ता कर इस गोलियों से छन्नी कर देंगे, नंबर एक। और नंबर दो, क्यों रे मंत्री कुमार चंद मरने से डरता है? नहीं नहीं, मुझको गोली मत मारना डाकू जी। भैया तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं नहीं डाकू जी, मरने के लिए तैयार हो जाओ। और आज ये तुम्हारे सामने कौन खड़ा है पहचानना चाहते हो? कौन हो इसका पता कोई और बताएगा। कहाँ हो तांत्रिक? ऐ मेरे महाराज तांत्रिक कहाँ हो? चलो प्रकट हो, आज इस दिलावर के सर पे बहुत बड़ी विपता है, आओ। तांत्रिक महाराज, यह मंत्री कुमार सिंह है और इस विराट नगर में बहुत खून खराबा कर दिया है, राज दरबार में भी। अरे मैं एक सीधा आदमी हूँ भैया, हमको माफ करो, हम जाएं अपनी हवेली। क्या हुक्म है हमारे लिए? बढ़िया मनाई है इनका पीएल के मारो, जीवित रहने कोई अधिकार नहीं है। अरे आप तो ऐसा न करिए, उसका समय पूरा हो गया है। तांत्रिक महाराज, हाँ तो दिलावर डाकू के लिए क्या आदेश है? खत्म कर दिया जाए इसे। ओ कमीने, हम तुझे तड़पा तड़पा कर मारेंगे। नहीं, तैयार हो जाओ। नंबर क्यों सब पापी है? ऐसा है, इसने कई खून किया है, हम इस साले मनहूस की सूरत देखना नहीं चाहते। देखो ना देखो, चार हंटर पहले लगाओ। अरे यार हंटर से मत मारना यार, बहुत लगता है। ठीक है, और जैसे जैसे हंटरों की मारना हो तो नहीं नहीं ऐसे मत मारिए, क्योंकि इसने विराट के साथ जो सलूक किया है विराट को, विराट इस यहाँ विराट नगर का एक वफादार डाकू जी, और उसके साथ उसके जहरीला है। सुन तो, हम बहुत सीधे आदमी है डाकू जी, अगर आपको विश्वास ना हो तो अमरीश जनता से पूछ लीजिए, अगर ये आपको कह देती मार दो तो हमको मार देना, लेकिन ऐसा नहीं कहेगी, कहेगी छोड़ दो। खैर ठीक है मंत्री कुमार सिंह, हम तुम्हें छोड़ देंगे, अगर तुम्हारी रियाया तुम्हें माफ करती है तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। ठीक है, अपनी रियाया से पूछो। आप पूछ लीजिए, हमको कोई कहती है इन्हें माफ कर दो तो मैं माफ कर दूंगा, कहा से करो कहती है कि माफ करने काबिल नहीं है। हाँ। तो ये मेरी बंदूक तुम्हें मौत के घाट उतारेगी। ठीक है डाकू जी, ए विराट नगर के वासियों, हमने आप लोगों के साथ कभी गलत नहीं किया है और ना गलत करूंगा, और अब की बार अगर मैं पंचवर्षीय जीत गया तो सबको एक एक कलोनी दूंगा। हेलो हेलो, बोल दो हमको छोड़ दे। रुको, भाषण बाद में, पहले आ गए संजय यादव, 10 रुपए का इनाम दे रहे हैं, कह रहे साले कपड़ा उतरवा के मारो, तुम्हारी गलती अगर नहीं होगी तुम्हें मारा नहीं जाएगा, अगर जनता कह देगी कि इनके ऊपर हंटर न चलाओ तो नहीं चलाया जाएगा, अगर जनता कहेगी इनको मार दो तो तुम्हारी गत हो जाएगी। अरे विराट नगर के वासियों, कॉलोनी को छोड़ो, अरे हम शौचालय भी देंगे और एक एक ठंडी में कम्बल भी देंगे, छोड़ दिया जाए। देखो डाकू जी सब कह रहे हैं छोड़ दिया जाए, ठहरो
है बेटा शरद और बेटा अमन। बेटा अमन ये तुम्हारा जानी दुश्मन है, हमारे हरे भरे चमन को उतारने वाला मक्कार ये कुमत सिंह है। हेलो ये आगे शफीक, शफीक भाई जान का भी ये भी कहना है कि कुमत सिंह को ऐसे गोली मत मारो, इनको पहले कपड़ा उतरवा के और इनके 4-6-10 हंटर लगाओ तब गोली मारना। और मंत्री कुमत कुमत सिंह हमें पहचानना चाहते हो? कौन हो? विराट नगर का वफादार मैं सेनापति हूँ, पहचान लो। आज सेनापति इस विराट नगर में दिलावर के नाम से प्रसिद्ध है और तुम्हारी जान जरूर लेगा। सबसे पहले इस साहिल आवास को उतारो, क्योंकि यहाँ की जनता का आदेश है। उतारो इसके कपड़े उतारो। हेलो बेटा, अरे ठंडी लग रही, हाथ देख रहे हो ठंडी लग रही? और क्या ज्यादा हमारे पास टाइम नहीं है, एक ही कपड़ा मैं पहना हूँ। मैं जितना कह रहा हूँ सबने उतारो। अरे कहे जहाँ सुमत हुआ संपत नाना। हाँ तुम्हारा नाम क्या है? क्या नाम तुम्हारा है? अरे जहरीला भैया, तुम दरबार के सिपाही हो, हमें पहचानते हो? वही तो मैंने कहा हमको नहीं क्या जिंदा है। चलो ठीक है, मैंने कहा कि इसने विराट के साथ जो सलूक किया है हाँ वही इसके साथ हो। इसके लिबास उतारो, उतारो। अबे तो मेरा आदमी है रे। नौका हम इनके मनाई ही हमारा मेहरारू वही तो मेरा नौकर है। कपड़ा उतारो, करो ऐसे नहीं पांच हंटर साहब। अरे ठाकुर कपड़ा दिए उतार ना। हुरैया होने वाली है, हुरैया होने वाली है, ठाकुर कपड़ा दियो उतार। और सारे उतार पूरे विराट नगर के कपड़ा पहरे हैं। इधर 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 माना नहीं, माना नहीं आ रही कोई ऐसी। और उतार हमसे कौन हुआ यार? बहुत बेसुरा मारता है ताला। उतारो कपड़े, मैं जहरीला हूँ। एक एक ही है यार जहरीला। उतारो कपड़े, अरे मोछा को भी खोल खोल तेरी माता। इधर आओ, छोड़ अब ना उतार। अब ए बेटा इधर आओ। रुक जा रुक जा रुक जा रुक, पहले हट तो हट, रुक जा इधर आओ, पहले इधर आओ, इधर आओ। ये तो यार इसकी मौसी की बिटिया काहे करी आवाज हो यार। सुनो हमसे हमसे कोनो वादा किए रहे? हम दिलीप की अम्मा को भेज देंगे तुम्हारे यहाँ भैया। नहीं कौन विराट नगर का तहन नहस कह दी हो तो
बच जाइयो। पूरा विराटनगर ये हिता के तुहार बाप उतारी है, उतारो है का घूम जाओ रह दियो। अरे कच्ची सुपारी कचाका बोले पच्ची चढ़ाका हो पच्ची 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 चढ़ाका हो पच्ची चढ़ाका हो जैसी बिटिया बहुत हम देखा, अरे तोरी जैसी लौड़िया बहुत हम देखा। छोलई नाहर मा घास छोलई नाहर मा खड़ी हो, तुम खड़ी हो जल्दी से। नहीं थोड़ा हमारा हिसाब है, रुक जाओ बाबू, थोड़ा हमारे के हिसाब है। हिसाब है? हाँ हिसाब है, ले लो हिसाब। हमसे कौन बात की हो है? कौन तुझसे बात कहते यार? नहीं कुछ हारे रहे हो है? नहीं यार हम तो कुछ नहीं हारे थे यार। हमसे कहो कटौबई कटौबई। अरे क्या कटाने की बात कर रहा है? कटौबई कटौबई हसी कटवा देंगे यार, अब तो छोड़ दे। हमसे कहो कटौबई कटौबई हसी ओ जाय के जाय असमा कटाई दिहो ऊटे तोहरी नानी के। फुर्सतगंज राय बरैली और जो हमका मिल हो मरी हो गरियई हो तो का कर जा दो तोहरे खोटा दे बच्चे। चाची इसका अंत समय आ गया है, और काम तमाम कर दो इसका। ऐसे इंसान को इस धरती में जीने का कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं। तुझे क्या हो गया? हम मर गए। मर गया? फिर बोल कैसे रहा है? हटाओ यार का मर मनई का बोले का रहता। अबे तू मरा नहीं है,
मरा नहीं तो का कटहा रहन तू जिंदा है। हम मर गए महाराज। अरे दैयो रे क्या हो गया? अब हम तो मर गई ना। तू नहीं मरेगा। हमार बेटवा कहत रहन है पापा पापा अब की आयो तो हमका झाड़े जंगल का हेलीकॉप्टर लेके आयो। अच्छा और हमारे बेटवा का हेलीकॉप्टर पहुंचा दी। ठीक है भेज देंगे। और हमारी मेहरिया का कह दियो धान पाक जाए मंसूरी खाए भरे का धैले जौन बढ़ई तो बेच के ज्यादा ना हो सके तो ये कन्नी भर कई कर धनी बनवाई ले। तू मरेगा नहीं क्यों परेशान है? और एक है मान लिये कन्नी भर के कर धनी हो गए बहुत हम अपनी मेहरिया से मोहम्मद करत रहीन है हमरे मरे के बाद कह दी हो 3.5 किलो कई बिया सारा बनवाई ले। अबे तू मरेगा नहीं हटो काम मरे मने का बोल कारत हो नहीं मरेगा। जमाना दूसर होएगा मोबाइल वाला पहले रहन है सीडी चलत रही है जब यहाँ से जाई तो घर में सीडी चलावत रही है अब हम मर जाबे तो हमारे घर में सीडी के चलाए। हमारी मेहरिया कह दी हो लेंस ना खराब हो पावे दो चार छह लौंडा बुढ़वा बनवाई के सीडी चलवाई ले। डाकू बिलाल लंबू। अरे लंबू किधर गया? मर गया? एक काम करो ये हमारे हवेली का बहुत पुराना नौकर है अब ये मर गया इसलिए इसकी नाक को काट लिया जाए और मेन गेट पर रख दिया जाए क्योंकि जो भी इंसान उस नाक को देखेगा इसकी याद इसको याद करेगा। ठीक है बट्टा पहले नकुने का यह बट्टा क्यों रे तू तो मर गया था। हम मरे नहीं तो हम खाली देखे गए वह का सारे को मुतवा का केसार गवा की नहीं चला गया नहीं जात रहा फिर लौटा रहा है और धैके वह के पियला ना तो सीधा आसमान का चला गया चट निकला हम लौट आए ना। महाराज अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। आज कौन हो तुम? हम अपनी बीबी का बदला चुकाएंगे। आखिर हो तुम्हारे ही कारण मुझे पहचानो। मैं वही रजवंत सिंह तुम्हारी सेना का नायक रजवंत तुम्हारे ही कारण से मेरे बीबी गर्भ में थी और तुमने मुझे बुलाया उसके बाद वो मर गई तड़प तड़प करके आज उसका बदला हम तुमसे अवश्य चुकाएंगे। रजवंत सिंह मैं तेरी पत्नी का कातिल हूँ। हाँ मार दे मुझे और अपना पता नहीं ले। आप अत्याचारी हैं मेरा पूरा परिवार बर्बाद कर दिया है। नंबर
बेटी बोलो, तुमने इसे जो बचाया तुम्हारे साथ में इसने बहुत अत्याचार किया है। बाबा जी आपने मुझे क्या कहा था? हमने बेटी कहा था। तो बेटी का मतलब समझते हैं बाबा जी? हाँ समझते हैं। नहीं समझते? अगर समझा होता तो आज बेटी का दर्द समझा होता। सोचो कि बगैर पद के मैं कैसे रह सकती हूँ। अभी तक तो मैं पागल थी, आज काश दूसरी जिंदगी मुझे मिली। क्या ये चाहते हो तुम्हारी नजरों के सामने तुम्हारी बेटी विधवा दिखे तुम्हें? बेटी तुम साफ साफ बताओ, तुम कहना क्या चाहती हो? बाबा जी छोड़ दिया जाए, हम ये जानते ही चाहती हो तुम। बाबा जी आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, ये आपकी बेटी आज अपना दामन फैला कर अपने पति किसी बलि की भीख मांग रही। उन्हें घबराओ नहीं बेटी, घबराओ नहीं, मैंने तुम्हें जीवन दान दे दिया है, तुम्हारे पति को मारा नहीं जाएगा। ठीक है बाबा जी। महाराज मेरी बात को ध्यान से सुनिए, ये जो लड़का शरद है ये तुम्हारे खून से ही पैदा हुआ है। याद करो जब तुम्हारी पत्नी गर्भवती थी तुमने जंगल में भेजवा दिया था मंत्री के हाथ, वही लड़का ये शरद आज सयाना हुआ है। और ये बेटा अमन जो है ये तुम्हारे वही सेनापति विराट का लड़का है। और जो ये आज डाकू दिलावर के रूप में सामने खड़े हुए हैं ये वही सेनापति तुम्हारे विराट है। सिंह मैंने तुम लोगों को बहुत सताया है, प्रिय चांद मैंने माँ बहुत बड़ी गलती किया है। राजन मैं तुम्हारी क्षणों की दासी हूँ, मुझे माफ कर दो प्रिय। मेरे सामने हाथ जोड़ कर मुझे नरक में क्यों ढकेलते हैं? मैं तो तुम्हारी चलों की दासी हूँ, तुम्हारे एक ही सारे पे मैं अपनी जान कुर्बान कर देने वाली। स्वामी जाने अनजाने जो गलती हो गई हो इस पापन को क्षमा कर दो। नहीं प्रिय महाराज आपका पूरा परिवार इकट्ठा हो गया है और हमारी ख्वाहिश है आपसे। बोलिए। एक ख्वाहिश है, आपकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। हमारी यही इच्छा है कि तुम्हारे बेटे शरद और मेरी बेटी माधुरी की शादी हो जाए और बेटा शरद यहाँ का वारिस बने। ऐसा ही होगा। हाँ यही चाहता हूँ। सेनापत विराट महाराज के पद पर बेटा सद रहेगा और महारानी के पद पर बेटी माधुरी। ऐसा ही होगा। और जो सेनापति का बेटा अमन है उसकी भी शादी कर दिया जाए और इस राज का दोनों आधा आधा भाग कर दिया जाए। ऐसा ही होगा। सेनापति विराट कहिए महाराज। मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत सताया है। नहीं नहीं महाराज मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। सेनापति विराट
मेरा आदेश है कि इस विराट नगर में दो भाग कर दिए जाए, एक का महाराज होगा राजकुमार सरद और दूसरे का होगा अमन सिंह, और मैं चलता हूँ वनवास, और यह शुभ कार्य आप अपने हाथों से कर देना। नहीं महाराज, ये सब आप ही के हाथों से होगा। आप जा रहे हैं जंगल में राम भजन में, तपस्या हो जाएंगे। जी हाँ, और ये सेनापत विराट जो है तांत्रिक के, वो जो चंडी माँ का मंदिर है, जी हाँ, वही जाकर अपने जीवन को बिताएगा। ठीक है, इस राज में मैं नहीं रहूंगा। प्रियचान, क्या देखती हो, इन दोनों की अपने हाथों से शादी कर दो। लो, उस दिन तुमने कहा कि माँ मैं तुम्हारी बहू बनना चाहती हूँ, सो आज मैंने तुम्हें बना लिया। देखो ये घर परिवार अपना बचा के रखना। क्या बात है, आज बहुत दिन बाद मिला है। बेटा सपनों से प्यारा